हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा ड्राइंग है माय इम्प्रिंट में ड्राइंग विथ शेप्स। आपको अगर कोई भी ड्राइंग बनाना होता है, ह्यूमन शेप या एनिमल, कोई भी शेप ड्रॉ करना होता है, तो उसके लिए पहले आपको बेसिक शेप यूज़ करने होता है और उस शेप का यूज़ करके आप कोई भी पूरा ड्राइंग बना सकते हो। जैसे कोई इंसान का चित्र बनाना होता है तो आपको सर्कल, स्क्वायर ऐसा सब यूज़ करके बनाना पड़ता है, उसके बाद ही मेन शेप होता है। तो अब जो हम करेंगे वो है कैट का ड्राइंग, जिसमें आपको क्या करना है, पहले इसको ऐसे शेप ड्रॉ कर देने हैं। शेप ड्रॉ कर लोगे उसके बाद आपको उसमें फिनिशिंग देना है, और जो मार्कर पेन से या इंक से आप उसके ऊपर कोई भी इंक पेन जो होती है उसकी मदद से आप कोई भी टेक्निक का यूज करके इसमें शेडिंग दे सकते हो। देखो, आपको यहाँ क्रॉस हैचिंग टेक्निक दिखाई गई है। मैं एक और लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको ऐसे इंक पेन की मदद से कैसे शेडिंग दिया जाता है वो सब दिखाई देगा आपको उसमें। तो चलो पहले हम लोग ये कैट ड्रॉ करते हैं। आपको ऐसे शेप दे देना है, जैसे अब आपको क्या करना है, इंक पेन की मदद से ऐसे क्रॉस हैचिंग कर देना है सब जगह पे। जहाँ डार्क है वहाँ आपको ज़्यादा डार्क दिखाना है इस तरह से। आपको यह दिखाई देगा ज्यादा डार्क है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ज्यादा डार्क इफेक्ट दे देंगे। आप ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हो। इस तरह से इसे क्रॉस हैचिंग करना है।
अब आपको ऐसा ही ड्राइंग आपकी ड्राइंग बुक में भी बनाना है, ठीक है। ऐसी ही एक कैट ब्लैक इंक पेन की मदद से आपको ड्राइंग बुक में बनानी है, उसमें आपको अच्छे से शेडिंग करना है। और आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो, स्टिपलिंग भी कर सकते हो, क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हो, आपको जो अच्छी लगे वो टेक्निक से आप ऐसा माई इम्प्रिंट बना सकते हो।